हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो ऐसे अचूक एवं घरेलू नुस्खे लेके आया हूं जो आपके चेहरे से मस्से को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, मस्से ज्यादातर लोगों के चेहरे पर हो जाते हैं जो कि लोगों की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, ये मस्से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा होने वाला एक चर्म रोग कहलाता है जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। दोस्तों, मस्से कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये फूल गोभी जैसे दिखने वाले ये मस्से हमारे चेहरे पर हो जाते हैं, हाथों पर हो जाते हैं, पाँव में हो जाते हैं और आंखों के आसपास एवं होठों के आसपास हो जाते हैं, जो हमारे शरीर को बेकार कर देते हैं, यानी हमारे सुंदरता को खराब कर देते हैं। दोस्तों, मस्से की समस्या आजकल इतनी सामान्य हो गई है कि हर साल भारत में लगभग 1 करोड़ लोग इसकी चपेट में आते हैं। दोस्तों, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मैं आपके लिए आज दो ऐसे अचूक नुस्खे लेके आया हूँ जो आपके चेहरे से मस्से को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, ये नुस्खे बहुत ही आसान और बिल्कुल ही सस्ते हैं। आपको इसके लिए केवल दो चीज की जरूरत है। पहली चीज है ये लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हमें लहसुन का पेस्ट बनाना है। दोस्तों, इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमें अपने मस्से को जड़ से खत्म करने के लिए इस लहसुन के पेस्ट को अपने चेहरे पर जहाँ पर मस्सा हो गया है उसकी खाली जगह पर लगाना है। दोस्तों, लहसुन में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने वाले गुण होते हैं। लहसुन का पेस्ट बनाकर उसे मस्से वाली जगह पर लगाकर उस पे एक बैंडेज लगा लीजिए। दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे गाल पर मस्सा होगा तो हम उसे लहसुन को लगाएंगे तो वह गिर जाएगा, इसलिए इस पेस्ट को अपने जहां पर भी, अगर आपके चेहरे पे है या गर्दन पे है, कहीं पर भी हो, इस लहसुन के पेस्ट को वहां पर लगाकर ऊपर से कपड़ा या कोई बैंडेज लगा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और 20 मिनट बाद आपको इसे धो लेना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसे कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है जिससे आपका मस्सा जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको ऐसा रोजाना कम से कम 1 हफ्ते तक 2 बार करना है, यानी आपको रोजाना सुबह और शाम 2 बार इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाइए और आप 1 हफ्ते में देखेंगे कि आपका जो मस्सा है वह बिल्कुल जड़ से निकल जाएगा। दोस्तों, यदि आपके चेहरे पर मस्सा हटने के बाद दाग रह जाता है, उस दाग को जड़ से खत्म करने के लिए, यानी वह दाग हमारे चेहरे पर ना बना रहे, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेकर उसकी कुछ बूंदे उस निशान पर लगा दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मस्से वाला निशान जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये तो एक पहला उपाय था। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ जो आपके मस्से को जड़ से खत्म कर देगा। ये उपाय भी बिल्कुल चीप एवं कारगर है। दोस्तों, दूसरी चीज है, यह केले का छिलका। हम केला खाते हैं और केला खाने के बाद उसके छिलके को फेंक देते हैं। दोस्तों, केले के छिलके में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे मस्से को जड़ से खत्म कर सकता है। दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इस केले के छिलकों को लेना है और उसके बाद, दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो केले के छिलके के ऊपर व्हाइट व्हाइट ये जो निशान है, इसको आपको चक्कू की मदद से आपको इसको खुरचना है। और दोस्तों, और ये व्हाइट पार्ट को निकालने के बाद आपको जहां पर भी मस्सा है उसे आपको लगाना है। इसे लगाने के बाद आप इसे
एक कपड़े से बांध लीजिए या उसके ऊपर आप बैंडेज लगा दीजिए। आपको इसे भी लगभग एक हफ्ते तक करना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो मस्सा है वह जड़ से खत्म हो जाएगा। और आपके मस्से का जो निशान है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि नींबू का रस लगा लीजिए, कुछ ही दिनों में आपका मस्से का निशान भी जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तो आज हमने आपको बताया ऐसे दो घरेलू नुस्खे जो आपके चेहरे से मस्से को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसे आजमा कर जरूर देखिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बेल का बटन है, यानी जो बाजू में सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी है उसे आपको प्रेस करना है। यदि आप उस बेल के बटन को दबाएंगे तो हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।